नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। तो हाल ही में 21 मार्च 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज़ या एडवर्टाइज़र इंटरमीडिएटरीज़ हैं, उनको हिदायत दी है कि वे ऑनलाइन गेमलिंग या ऑनलाइन बेटिंग की जो साइट्स हैं उनको प्रमोट ना करें। कारण भी बताया गया है कि इससे यूथ का भविष्य खराब होता है और उस पर बुरा असर पड़ता है। इसी बीच जल्दी से इन्फॉर्मेशन देने की वजह से कुछ जानकारियों के अभाव में सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, उन्होंने वीडियो भी डाल दिया है। हालांकि मैंने वीडियोस देखे हैं, उनमें जानकारी का अभाव है। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको सही जानकारी दी जाए, सही स्रोतों से दी जाए। तो जैसा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइज़री जारी की है, जिसमें साफ तौर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज़ और एडवर्टाइज़र इंटरमीडिएटरीज़ को सख्त हिदायत दी है कि वो इस तरीके के कंटेंट जो हैं, बैटिंग साइट्स हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग हैं, उनका प्रमोशन ना करें। क्योंकि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आपको देखते हैं, आपसे सीखते हैं, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ये अपेक्षा करता है कि आप देश के युवाओं को, यूथ को सही राह बताएं, सही चीज़ बताएं। उन्होंने जारी की गई एडवाइज़री में ये भी बताया है कि अगर आप एडवाइज़री का पालन नहीं करते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत आप पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। एडवाइज़री में पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 का भी जिक्र किया गया है। उसके तहत ये कानून है कि आप भारत की ज़मीन पर कोई भी गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप भारत की ज़मीन पर गैम्बलिंग एक्टिविटी करते हैं तो आप पर 200 रुपये का फ़ाइन या फिर 3 महीने की कैद हो सकती है, या फिर दोनों हो सकते हैं। एडवाइजरी में पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 का भी जिक्र किया गया है, जिसके तहत भारत की ज़मीन पर कुछ स्टेट्स को छोड़कर, जैसे कि गोवा, सिक्किम और दमन, इनके अलावा ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। वहीं अगर देखा जाए तो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 में ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन बैटिंग का कोई जिक्र नहीं है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि क्या एक्ट है, क्या रूल्स हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है, क्या कोर्ट कहता है, गेम ऑफ चांस क्या होता है, गेम ऑफ स्किल क्या होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे भरोसेमंद स्रोत विकिपीडिया पर जाते हैं, गैम्बलिंग इन इंडिया। तो यहाँ पर लिखा है कि गैम्बलिंग इन इंडिया वेरीज बाय स्टेट, स्टेट्स इन इंडिया आर एंटाइटल्ड टू फॉर्मुलेट देयर ओन लॉ फॉर गैम्बलिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पर यह कहा गया है कि गैम्बलिंग भारत में ये स्टेट्स पर छोड़ दिया गया है कि स्टेट्स उस पर कानून बना सकते हैं। तो कई स्टेट्स ने कानून बनाए भी हैं और कई स्टेट्स में ये प्रोहिबिटेड है। अब कुछ स्टेट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि गोवा जो है उसमें कैसिनोज हैं वो लीगल हैं। यहाँ ये भी बताया गया है कि गोवा में जो कैसिनोज हैं वो 135 करोड़ का स्टेट को रेवेन्यू देते हैं, ये 2013 का डेटा है। ध्यान दीजिए, अभी तक बात चल रही है केवल गैम्बलिंग की, अभी और भी कुछ है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले गैम्बलिंग की लीगैलिटी देख लेते हैं। गैम्बलिंग जो है वो स्टेट्स पर वेरी करता है, उनको ये अधिकार है कि गैम्बलिंग पर अपनी समय सीमा, अपनी जो रूल्स हैं, नियम हैं, वो तय कर सकते हैं। यहाँ पर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट का जिक्र है, जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है, ये जो कि केंद्रीय कानून है, और ये प्रोहिबिट करता है पब्लिक गैम्बलिंग को। अब पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत जो सज़ा का प्रावधान है वो 200 रुपये फ़ाइन है या 3 महीने की कैद है, और कोई भी अगर गैम्बलिंग साइट पर विजिट करता है फिजिकली तो उस पर 100 रुपये का फ़ाइन है या फिर 1 महीने तक की सज़ा है। तो ये तो है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट का कानून। इसके अलावा अभी तक भारत में कोई भी कानून नहीं बनाया गया है, सिर्फ एडवाइजरी जारी की गई हैं। इससे पहले सन 2022 में 2 एडवाइजरी और जारी की गई थी, 2023 में 2 और की गई थी, और अभी 2024 में एक और एडवाइजरी जारी की गई है, जिसकी बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस क्या होता है। अगर गेम ऑफ चांस की बात की जाए तो ये पूरी तरीके से इलीगल हैं, और गेम ऑफ स्किल की बात की जाए तो ये पूरी तरीके से लीगल हैं। अब कौन सा गेम ऑफ स्किल है, कौन सा गेम ऑफ चांस है, ये निर्धारित कौन करता है? ये निर्धारित करने का अधिकार कोर्ट को है। इस तरीके से कई सारी पिटीशन भी दायर की गई, कर्नाटका स्टेट्स में, बॉम्बे हाई कोर्ट में और तमिलनाडु स्टेट्स में, जिसमें अलग अलग तरीके से कोर्ट ने अपने ऑर्डर पास किए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका पूरा ब्यौरा दिया, 28 पेजेस की पूरी कॉपी सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी, उसमें
गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस में फ़र्क बताकर पूरी तरीके से अपना ऑर्डर दिया था, जिसमें आप अगर देखेंगे तो रमी नाम लेते हैं, रमी जो गेम है इसको एंटायरली गेम ऑफ चांस नहीं कहा गया पूरी तरीके से, इसमें स्किल बेस्ड होता है तो इसको मेयर गेम ऑफ स्किल की श्रेणी में रखा गया। वहीं पर फ्लश ब्रेक नाम के कोई खेल होते हैं उनको गेम ऑफ चांस में रखा गया, इसका मतलब वो इलीगल हैं। रमी गेम को कोर्ट ने लीगल बताया था क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल की श्रेणी में है। वहीं हॉर्स रेसिंग की बात की जाए तो हॉर्स रेसिंग को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लीगल बताया क्योंकि वो एक गेम ऑफ स्किल है। इसी तरीके से कई पेटिशन दायर होती हैं जिनमें आपको ये साबित करना पड़ता है कि ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। गेम ऑफ चांस भारत में इलीगल हैं, गेम ऑफ स्किल लीगल हैं। अब बात करते हैं फैंटेसी गेमिंग की, तो फैंटेसी गेमिंग भी गेम ऑफ स्किल की श्रेणी में आता है, इसको भी कोर्ट ने लीगल करार दिया था। तो इस तरीके से कई सारे गेम्स होते हैं, कई अपवाद होते हैं, तो ये गेमिंग का गैम्बलिंग का ये फील्ड है ये अपवादों से घिरा था, आज भी घिरा है और शायद आगे भी घिरा रह सकता है जब तक कि कोई एक कानून पारित नहीं होता। विकिपीडिया के अनुसार तकरीबन 60 बिलियन डॉलर पर ईयर का रेवेन्यू गैम्बलिंग मार्केट से जनरेट होता है। अब हालांकि ये गैम्बलिंग का गेमिंग का ये मार्केट है ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि सरकार इससे 30% टैक्स भी लेती है और एक तरह से देखा जाए सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेशन का ये बहुत बड़ा स्रोत है। जिस तरीके से टोल टैक्स है, अल्कोहल पर 18% टैक्स है, ये स्टेट पर भी वेरी करता है, और 30% इस ऑनलाइन गैम्बलिंग से रेवेन्यू जो है वो सरकार को टैक्स के माध्यम से मिलता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मार्केट इतना छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है। 60 बिलियन डॉलर पर ईयर का अगर रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है तो ये कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है। अब तक देश में जो कानून है वो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 है, जो कि ऑनलाइन बैटिंग या ऑनलाइन गैम्बलिंग पर लागू नहीं होता है, क्योंकि जिस वक्त ये कानून बनाया गया था उस वक्त ऑनलाइन ये गेमिंग का या गैम्बलिंग का कोई सिस्टम या माध्यम नहीं था। सन 2022 में सरकार ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक कानून बनाएंगे जिसको एक लीगैलिटी देंगे या इलीगल रखेंगे ये अभी क्लियर नहीं है, और किस तरीके का फ्रेमवर्क होगा ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि कोई कानून आएगा, अभी तक वो पेंडिंग में है और आगे अगर लागू होगा तो उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। फिलहाल में जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ध्यान रखनी चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल निकल कर सामने आता है कि कौन सी चीज़ गैम्बलिंग है, कौन सी चीज़ गेम ऑफ स्किल है, कौन सी गेम ऑफ चांस है। तो ये आपको बता दिया कि इसे तय कौन करता है, इसे कोर्ट तय करता है कि कौन सी चीज़ गेम ऑफ स्किल है, कौन सी चीज़ गेम ऑफ चांस है। जिस तरीके से कोर्ट ने ये बताया कि रमी जो है वो गेम ऑफ स्किल है, हॉर्स रेसिंग है ये गेम ऑफ स्किल है, तो जो कोर्ट द्वारा निर्धारित हो जाते हैं कि ये गेम ऑफ स्किल हैं वो पूरी तरीके से लीगल होते हैं, क्योंकि कोर्ट हाल फिलहाल ऐसे ही कोई फैसला नहीं दे देता, बहुत सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं, बहुत सी विवेचनाएँ होती हैं, बहुत से संदर्भ लिए जाते हैं, तब वो कोर्ट कोई चीज़ डिसाइड करता है। और न्याय की सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब कुछ बता देती है तो वो पूरे भारत में हर कोने में हमें पूरी तरीके से लागू होता है, माना जाता है। अब बात करते हैं कि सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें दो रेफरेंस दिए हैं, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 और दूसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो एडवाइजरी में ये बताया गया है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, एडवर्टाइज़र इंटरमीडिएटरीज और जो स्टार्स वगैरह होते हैं, सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं, वो जो गैम्बलिंग एक्टिविटी है उनको ऑनलाइन में बढ़ावा ना दें, इससे यूथ का भविष्य ख़राब होता है। हालांकि भविष्य तो बहुत सी चीज़ों से ख़राब होता है, लेकिन सरकार ये मानती है कि इससे भविष्य ख़राब हो रहा है तो एडवाइज़री का आपको पालन करना चाहिए। इससे पहले एक और एडवाइज़री आई थी जिसमें यह बताया गया था कि अगर आप फैंटेसी गेमिंग या गेम ऑफ स्किल उन सब चीज़ों को बताते हैं तो वहाँ पर एक डिस्क्लेमर दिया जाना चाहिए। आपने डिस्क्लेमर देखा होगा कि इस खेल में वित्तीय जोखिम की संभावना है, कृपया जिम्मेदारी से अपने रिस्क पर खेलें, तो वहाँ साफ तौर पर बताया जाता है। और सीधा जब यूजर उसमें इन्वॉल्व होता है तो उसे भी पता होता है कि इससे मेरा फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, उस हिसाब से वो अपना एक्शन लेता है। तो एडवाइज़री के अनुसार अगर आप यूट्यूबर्स हैं या स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको गैम्बलिंग या ऑनलाइन बैटिंग है इन साइट्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए, एडवाइजरी में ऐसा ही कहा गया है। तो एडवाइजरी के अनुसार अगर आप यूट्यूबर्स हैं तो जो इलीगल ऑनलाइन बैटिंग साइट्स होती हैं या विदेशी ऑनलाइन बैटिंग साइट्स होती हैं उनका आप प्रमोशन ना करें, और अपने यूजर्स को कुछ भी बताएं तो कुछ क्रिएटिव बताएं, अच्छा सा बताएं, जिससे कि यूथ को सही राह मिले, यूथ सही रास्ते पर जाए, भटके ना।
अब एक सवाल आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि अगर हमने अब तक प्रमोशन किया है या फिर वीडियोस डाले हैं तो उनका क्या करें। तो एडवाइजरी में अभी तक इस तरीके का कुछ भी बताया नहीं गया है कि आपने जो किया है, लेकिन नियम ये कहता है जब से एडवाइजरी आई है उस दिन के बाद से आप इस तरीके का कोई भी काम ना करें। जैसा कि कोई भी कानून बनता है और वो कब इफ़ेक्ट में आता है तभी से वो कानून लागू होता है, उससे पहले वो कानून लागू नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडवाइजरी 21 मार्च 2024 को आई है, इसके बाद से जो एडवाइजरी है उसको फॉलो करना चाहिए। इससे पूर्ववत अगर आपने ऐसा वीडियोस या जो कुछ भी डाले हैं तो उन पर तो एडवाइजरी में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है कि आपको क्या करना है। हाँ, आगे के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी के अनुसार जो बताया है उसमें ये बताया गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, उसमें एक चीज़ है कि जो भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को यूजर से बचाया जाए। तो उसके तहत एडवाइजरी में उसके उल्लंघन के लिए ये बताया कि अगर आप इसका वायलेशन करते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत आप पर फाइन भी लगाया जा सकता है, या फिर आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको बंद भी किया जा सकता है, या फिर आपने कहीं पोस्ट की है तो उस पोस्ट को हटाया जा सकता है। यही हिदायत प्लेटफॉर्म्स को भी दी गई है। वहाँ नाम नहीं दिया गया है कि फेसबुक को, यूट्यूब को, लेकिन जो भी प्लेटफॉर्म हैं इंडिया में इंडियन यूजर्स को सर्व करते हैं उनको भी ये हिदायत दी गई है कि आप अपने कंटेंट को इंडियन ऑडियंस को टारगेट ना करें। आप अगर कहीं और दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए उसमें कुछ भी नहीं कहा गया है, इंडियन ऑडियंस को टारगेट ना करें। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सही से सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो ये जानकारी आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं हूँ कुलदीप और मिलूँगा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे रहिए।